How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we will learn phonics, है ना? Phonics में start करेंगे हम sound I and U. तो पहले हम क्या करेंगे? Date, है ना? पहले यहाँ सबको date डालनी है. और ये क्या है हमारा? Classwork, okay? Then now start. Let us read. सेम लेटर्स I एंड U, ओके. तो इसमें हमें क्या करना है? I वाले में ग्रीन कलर करना है I साउंड में, और U साउंड में रेड कलर करना है, ओके. तो चलो स्टार्ट करेंगे. I F if, ये कौन सा साउंड है? I F if. तो I F if वाला साउंड में ग्रीन कलर करना है, ओके. नाउ स्टार्ट. I F if, आपको बोल के ही कलर करना है. I F if, I F if. नाउ नीचे वाला कौन सा है? I N in, कौन सा साउंड है? I N in, ओके. तो उसमें भी ग्रीन कलर ही आएगा क्योंकि ये I साउंड में है ना. देन डन अवर I N in, ओके. अब बाजू वाले में कौन सा है? यू एस अस, यू वाले साउंड में हम रेड कलर करेंगे, ओके. देन नाउ डू यू एस अस, यू एस अस, उसमें हम रेड कलर करेंगे, ओके. उसके नीचे कौन सा है? यू पी अप, कौन सा साउंड है? यू पी अप. तो उसमें भी हम यू वाले साउंड में रेड कलर करेंगे, ओके. Now do red color in U P up, U P up, okay. Okay, now done our color. चलो अब साइड में आते थे. ये कौन सा साउंड है? I S is, I साउंड में I S is. तो इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे, okay. Now do green color in I S is, sound में I S is में green color, okay. Color करने में तो सबको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना? Okay. Then done our I S is. Now clear our I S is. उसके नीचे कौन सा sound है? I T E. कौन सा है? I T E. तो उसमें भी हम ग्रीन कलर करेंगे, ओके. नाउ डू ग्रीन कलर इन आई टी इट साउंड, आई टी इट, आपको बोल के ही कलर करना है, ओके. ओके चलो दिस इज डन, ये कलर हमारा कंप्लीट हो गया. चलो अब नीचे आते हैं. इसमें क्या है? लेट अस प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग टू फॉलोइंग वर्ड्स. तो यही हमें रीड करना है और यही हमें राइट करना है, ओके. और यहाँ भी हमें डेट मेंशन करना है, और ये क्लास वर्क है, और ये होमवर्क है, ओके. चलो स्टार्ट करेंगे. ये कौन सा वर्ड है? आई में आई एस इज, जो हमने ऊपर लिखा है वही है, ओके. आई एस इज, और ऐसे ही आपको होमवर्क में सामने वाले बॉक्स में लिखना है, ओके. चलो अब नीचे आते हैं. ये कौन सा है? I एन in, I एन in, ओके. उसके नीचे यू एस अस, ओके. चलो अब साइड में I F if, क्या है? I F if, जो हमने ऊपर लिखा है कलर किया है उसमें, है ना. I T E, U P O, ओके. डन अवर क्लास वर्क, और आपको सामने ही होमवर्क करना है, ओके. नाउ टर्न योर पेज. सी टू लेटर साइड वर्ड्स विथ ओ, ओ साउंड में हमें क्या करना है? कलर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वोवेल ओ. तो स्टार्टिंग में जो ओ आता है उसमें हमें ब्लू कलर करना है, और एंड वर्ड्स एंडिंग विथ वोवेल ओ उसमें हमें पिंक कलर करना है. पहले जो ओ आता है वर्ड्स उसमें हमें ब्लू कलर करना है, और एंड में जो ओ आता है उसमें हमें पिंक करना है, ओके. तो चलो स्टार्ट करेंगे. नाउ स्टार्ट.
पहले कौन सा है एंडिंग वाला, टी ओ टू, कौन सा साउंड है ये, टी ओ टू, तो इसमें ओ एंड में आता है, ओके तो इसमें हमें पिंक कलर करना है। एंडिंग वाले ओ में क्या करना है, कौन सा कलर, पिंक कलर, टी ओ साउंड में क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। लेट्स स्टार्ट, टी ओ टू, टी ओ टू, उसमें हमें पिंक कलर करना है क्योंकि ओ साउंड एंड में है ना, ओके चलो अब उसके नीचे कौन सा है, एन ओ नो, एन ओ नो में भी ओ एंड में आता है, ओके तो इसमें भी हम पिंक कलर करेंगे, ओके एन ओ नो आपको बोलना है और कलर भी करना साथ में है, ओके एन ओ नो। चलो अब ये बीच वाले में ओ एंड ऑफ है तो उसमें ओ साउंड पहले आता है ना, तो उसमें हम कौन सा कलर करेंगे, ब्लू वाला है ना। नाउ स्टार्ट, ब्लू कलर इन ओ एफ ऑफ साउंड में, ओ एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, इसमें हम ब्लू कलर करेंगे, ओके बिगिनिंग ओ में ब्लू और एंडिंग ओ में पिंक आएगा, ओके याद रहेगा ना बच्चों, वेरी गुड। चलो अब इसके ऊपर कौन सा है, इसके बाजू में एस ओ सो, तो इसमें ओ एंड में आता है ना, तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, यस पिंक वाला। नाउ डू अ पिंक कलर इन एस ओ सो साउंड में, एस ओ सो, ओके चलो अब उसके नीचे कौन सा है, ओ आर आर, तो उसमें ओ बिगिनिंग में है ना, तो इसमें कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा है ना। नाउ डू ब्लू कलर इन ओ आर ओर, ओ आर ओर, इसमें हम ब्लू कलर करेंगे, गया यस ओ आर ओर हमारा कंप्लीट। चलो अब बाजू में आएंगे तो ये ओ एक्स ऑक्स वाला साउंड है तो उसमें भी ब्लू आएगा क्योंकि ओ बिगिनिंग में है ना, तो इसमें भी हम ब्लू कलर करेंगे, ओके ओ एक्स ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स, उसमें हमें ब्लू कलर करना है क्योंकि ओ बिगिनिंग में है ना। चलो इसके बाजू में अब क्या है, ओ एन ऑन, तो इसमें भी ओ बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में है ना, तो इसमें भी हम ब्लू कलर करेंगे, ओ एन ऑन, ओ एन ऑन, ओ एन ऑन, सबको बोल के ही साउंड में कलर करना है, ओके बच्चों, ओके ना। उसके नीचे अब लास्ट वाला कौन सा है, जी ओ गो, तो इसमें एंडिंग में ओ है ना, तो इसमें हम कौन सा करेंगे, पिंक वाला। नाउ डू अ पिंक कलर इन गो वाले बलून में, जी ओ गो, जी ओ गो, जी ओ गो, ओके कलर इज कंप्लीट इन ऑल बलून्स ओ साउंड, ओके चलो अब नीचे आते हैं, लेट अस प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग टू फॉलोइंग वर्ड्स, ओके तो वही वर्ड्स हमें इधर रिपीट करने हैं, तो ये हमारा क्लास वर्क है और ये हमारा होमवर्क है, ओके नाउ स्टार्ट। O and on, small O and on, आपको read भी करना है और write भी करना है, ओके O F O, O F O, N O no, N O no, G O go, G O go, clear? और सामने वाले box में ये आपका होमवर्क है, चलो साइड में आ जाओ। ये क्या है, ओ आर ओर, क्या है, ओ आर ओर, ये हमारा ओ आर ओर बराबर। उसके नीचे ओ एक्स ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स, एस ओ सो, एस ओ सो, टी ओ टू, टी ओ टू, ओके क्लियर। दिस इज आवर क्लास वर्क एंड दिस इज आवर होमवर्क, आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, ओके नाउ अब सामने वाले पेज पे आ जाओ, इधर भी आपको डेट मेंशन करना है
और ये हमारा क्लास वर्क है. ओके, नाउ लेट्स रिकैप नेक्स्ट पेज. लेट अस रीड द टू लेटर वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देम अंडर द करेक्ट वॉवेल्स. तो हमें क्या करना है बेटा, ये वॉवेल्स है उसमें से साउंड ढूंढ के. हमारे वॉवेल्स कितने हैं, 5, ए ई आई यू ओ. तो ये वॉवेल्स हमें ढूंढ के टू लेटर्स लिखने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट लेटर्स वॉवेल्स कौन सा है, ए. फर्स्ट वॉवेल्स कौन सा है, ए. नाउ सी ये कौन सा लेटर है, टी ओ टू. तो ये टी ओ टू ओ साउंड में जाएगा ना, ये ओ साउंड है. ओके, तो टी ओ टू वाला लेटर ओ साउंड में लिखेंगे, टी ओ टू. ओके, नेक्स्ट ए एम एन. ओके, ये कौन से साउंड में आएगा, ए साउंड में. तो हम ए साउंड में क्या लिखेंगे, ए एम एन. नाउ नेक्स्ट कौन सा लेटर है, डब्ल्यू ई वी, W E V. तो ये E साउंड में, W E V. तो E साउंड में लिखेंगे, W E V. ओके, नाउ नेक्स्ट O N ON, O N ON. तो ये O साउंड में जाएगा, O N ON. नेक्स्ट A N N, A N N. ए साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम ए साउंड में लिखेंगे, ए एन एन. नेक्स्ट ओ एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ. तो ये ओ साउंड में लिखेंगे, ओ एफ ऑफ. नेक्स्ट बी ई बी, तो ये आएगा ई साउंड में. नाउ राइट बी ई बी इन ई साउंड. ओके, नेक्स्ट आई टी ई, आई टी ई. तो ये आई साउंड में आएगा, आई टी ई. ओके, नेक्स्ट ए टी एच, ए टी एच. तो ए साउंड में आएगा, हम ए साउंड में लिखेंगे, ए टी एच. नेक्स्ट एच ई ही, एच ई ही. तो ये आएगा ई साउंड में, तो हम ई साउंड में राइट करेंगे, एच ई ही. ओके, नाउ नेक्स्ट ओ आर ओ, ये ओ साउंड में आएगा है ना, तो हम लिखेंगे ओ साउंड में, ओ आर ओर. नेक्स्ट एम ई मी, एम ई मी. तो ई साउंड में जाएगा, हम ई साउंड में लिखेंगे, एम ई मी. ओके, नेक्स्ट जी ओ गो, ये भी ओ साउंड में जाएगा, जी ओ गो. नाउ राइट ओ साउंड, जी ओ गो. नेक्स्ट आई एफ इफ, आई एफ इफ. ये जाएगा आई साउंड में, आई एफ इफ. ओके, नेक्स्ट यू पी अप, यू पी अप. तो ये यू साउंड है, इसमें हम लिखेंगे यू पी अप. नेक्स्ट एस ओ सो, एस ओ सो. ये भी ओ साउंड में जाएगा, नाउ राइट इट्स ओ साउंड, एस ओ सो. ओके, नेक्स्ट आई एन इन, आई एन इन. ये आई साउंड में जाएगा, आई एन इन. नेक्स्ट डी ओ डू, डी ओ डू. ये जाएगा ओ साउंड में, कहाँ लिखेंगे, ओ साउंड में, डी ओ डू. ओके, नेक्स्ट आई एस इज, आई एस इज. ये इसको लिखेंगे आई एस इज, आई साउंड में, I S is. ओके, नेक्स्ट O X ox, O X ox. ओ साउंड में आएगा, O X ox. क्लियर. ये लास्ट A S S, ये कौन से साउंड में जाएगा,
ए साउंड में, है ना। देन राइट नाउ ए एस एस इन ए साउंड, ओके। और ये कौन सा है, यू एस अस, यू एस अस, ये कौन से साउंड में जाएगा, यू वाले साउंड में, यू एस अस, ओके। क्लियर आवर वर्क, आपको ऐसे ही घर पे क्लास वर्क क्लियर करना है, ओके बाय।